हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो अभी बन रहा है यहाँ पे मैगी हर्षित के लिए, और साथ ही ना दूसरी तरफ मैं लंच भी बना रही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह ही खाना बना ले रही हूँ क्योंकि फिर हमें कहीं निकलना है, तो इसलिए मैं जल्दी से खाना बना लूँ, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर निकलेंगे। और यहाँ मैं भिंडी कट कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की दाल, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी वाली दाल, और जितना मुझे पसंद है उतना ही मेरे बच्चों को भी ये पसंद है। तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यार से, बहुत ही चाव से खाते हैं भिंडी वाली दाल। और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू चोखा, क्योंकि भिंडी वाली दाल के साथ ना सिंपल सा आलू का चोखा ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैंने कुकर में आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं, तो मेरे आलू बॉयल होने के बाद मैं ये भिंडी की दाल चढ़ा दूंगी और फिर चावल। बस सिंपल सा लंच बनेगा, और जल्दी से ये सब काम निपटाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो एक्चुअल में कैंडू का स्कूल हम लोग जा रहे हैं उसके एडमिशन के लिए। तो अभी तो कैंडू का 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जनवरी में कंप्लीट होगा, लेकिन स्कूल के फॉर्म्स तो जल्दी निकल जाते हैं, तो हमने फॉर्म सबमिट की मतलब भरा था, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए आज बुलाया है। तो वहाँ पर जाएंगे, अगर उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। तो हर्षित का मैगी रेडी हो गया था, तो मैंने उसे मैगी दे दिया है खाने के लिए। और यहाँ कुकर में मैं लगा रही हूँ दाल। और हर्षित को स्कूल नहीं भेजा है हमने आज, छुट्टी तो नहीं थी उसकी, लेकिन उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, तो 2 घंटे का ही आज स्कूल है। तो फिर 2 घंटे बाद उसको हम लोग लेने नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर कैंडू के स्कूल जाना है उसको लेके, तो इसलिए आज हर्षित की छुट्टी करवा दी हमने। और यहाँ आलू मेरे बॉयल हो गए हैं, तो बस अब मैं भिंडी की दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मूँग और मसूर की मिक्स दाल ली है, दोनों 50-50% है। और बस भिंडी, काटी हुई भिंडी डाल दूंगी और नमक हल्दी देके बस सीटी लगा दूंगी, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये दाल खाने में। तो बस जब तक ये दाल बनेंगे, दूसरी तरफ मैं चावल भी बनने के लिए रख दूंगी, और साथ ही मैं घर के दूसरे काम भी साथ साथ कर लूँगी, जैसे झाड़ू पोछा ये सब करना। तो अभी बता दूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग ही है, अभी कैंडू भी सो के नहीं उठा है, तो बस जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। और देखिए कैंडू अब उठ चुका है, तो उठते ही बस उसका कार्टून चालू हो गया है, और बस हर्षित तो खा रहा है। और अब मैं कैंडू के लिए भी बना दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज मुझे इसको खिलाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पापा हैं घर में ही, उन्होंने भी छुट्टी ली है, तो ये आज इसके पापा की ड्यूटी है इसको खिलाना। और कैंडू को बहुत ज़्यादा पसंद है अपने पापा के हाथ से खाना, तो जैसे ही वो पापा घर में रहेंगे तो वो पहले कह देता है जो पापा के साथ खाऊँगा। तो बस ये जब तक खाना खाएंगे, मेरा ये भी टाइम बच गया है क्योंकि ये खाने में कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगाता है, तब तक मैं करूँगी अपने बाकी के काम। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बलून को कैंडू ने ढक के रखा है क्योंकि ये काला बलून है तो उसे डर लग रहा है। और यहाँ मैं बैल्कनी में आई हूँ कपड़े सुखाने, तो मैं रात में ही मैंने मशीन चला दी थी ताकि सुबह सुबह मैं कपड़े डाल दूँ। और ये देखिए अभी सुबह के 7:30 करीब हो रहे हैं, और कितनी अच्छी धूप है मेरी बैल्कनी में। और बस अब आलू यहाँ पे मैं चोखा बनाने के लिए, आलू ठंडे हो गए तो उन्हें छिल के मैं मैश कर ले रही हूँ। और किचन में भी आप देख सकते हैं धूप है, तो विंटर्स में ना ये मेरे घर की सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर में भरपूर धूप आता है, किचन में, बैल्कनी में, बेडरूम में, सब जगह धूप आता है। तो काफ़ी मतलब छोटा सा फ्लैट है मेरा, 1 BHK ही है, लेकिन घर में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, हवा और धूप भरपूर आती है। विंटर्स में धूप भी काफ़ी अच्छी आती है और समर्स में हवा भी काफ़ी अच्छी आती है। तो बस ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे पहले हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे धूप की बहुत कमी थी, पूरे विंटर्स में घर में कहीं भी धूप नहीं आता था, धूप के लिए हमें छत पे जाना पड़ता था। लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है, हम छत पे जाए या ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आती है सुबह सुबह, तो और ज़्यादा रिलीफ होता है कि इतनी सुबह किचन में काम करो आराम से धूप में खड़े होकर, तो ठंड भी कम लगती है। और बस यहाँ पर मैं आलू चोखा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सारा प्रिपरेशन पहले ही करके रख लिया है, प्याज मिर्ची धनिया और काट के। और यहाँ आलू चोखा में ना मैं टमाटर भी दे रही हूँ, ऐसे बिना टमाटर वाला आलू चोखा मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन्हें टमाटर वाला ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं वही वाला बना रही हूँ। तो चोखा बन गया है, अब दाल में तड़का लगाऊँगी। तो ऑयल गर्म होते ही उसमें मैंने 5 फ़ोरन तेज़पत्ता दे दिया है और लहसुन की कलियाँ दे दी हैं, तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा मैं देती हूँ, अभी विंटर्स है ना, तो विंटर्स में लहसुन खाना सही रहता है, शरीर में गर्माहट रहती है, तो उससे क्या है सर्दी खांसी ये सब थोड़ा कम होता है। और बस लहसुन थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है छोटा सा, और प्याज भुनने के बाद उसमें टमाटर, और बस फिर उसके बाद दाल जो हमने बॉईल करके रखा था वो दे देंगे। और बस ये बन गई हमारी भिंडी वाली दाल। और ये हरी धनिया है जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और 2-3 पानी से अच्छे से धो के बस ये जाली में मैं ऐसे ही इसे रख दूँगी। बस तो हो गए मेरे किचन के काम ख़त्म, और अब बस जल्दी से रेडी होना है और जाना है कैंडू को लेके स्कूल।
अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं कैंडू के साथ, और हर्षू घर में ही रहेगा। बाय हर्षू। बाय मम्मा, टेक केयर। की बटन लगाना भूल गई, कितना भी जल्दी करूँ लेट हो जाता है। तो यहाँ अब हम लोग स्कूल से घर लौट रहे हैं। कैंडू का इंटरव्यू हो चुका है और काफ़ी अच्छे से उसने सब कुछ बताया जो भी टीचर ने उससे पूछा। मेरे सामने ही टीचर ने सब कुछ उससे पूछा और उसने बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली सब आंसर दिया, बिल्कुल भी झिझका नहीं। जैसे कि बच्चा है छोटा ना, तो बच्चे होते हैं दूसरों के सामने नहीं बोलते, उन्हें जो आता भी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से उसने सब बताया। और स्कूल में कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने स्कूल में कुछ भी वीडियो नहीं किया शूट। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और घर की तरफ जा तो रहे, लेकिन रास्ते में देखिए कैंडू को नींद आ रहा है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो दोपहर में उसका सोने का टाइम है, तो बस रास्ते में ही वो सो गया घर पहुंचने से पहले ही। तो अभी ये शाम का वक्त है और कैंडू खा रहा है पापड़। तो ये दोपहर में मैंने लंच में ये पापड़ बनाए थे, ये लंबे वाले पाइप वाले जो पापड़ होते हैं, तो कैंडू को ये बहुत पसंद है। तो वो सो के उठते ही उसने पापड़ की डिमांड की, जो पापड़ खाना है, तो मैं उसे पापड़ दी हूँ खाने के लिए। तो जब तक ये पापड़ खा रहा है, मैं उसके लिए इवनिंग स्नैक्स बना दूंगी। और ये देखिए, जो सुबह मैंने धनिया धो के रखे थे ना, ये धनिया अच्छे से सूख गए हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इसे ना मैं ये देखिए बॉक्स में टिश्यू पेपर डाल के इसे अच्छे से रख दूँगी। ऐसे एकदम फैला के ही रखना है, धनिया दबाना नहीं है। तो ये धनिया आराम से 2 हफ्ते आपके टिक जाएंगे फ्रिज में। एक और ऊपर से मैं टिश्यू पेपर दे रही हूँ, जाकि एक्स्ट्रा अगर कोई भी मॉइस्चर बचा भी हो तो वो टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और बस अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो ये 2 हफ्ते मेरे धनिया बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब देखिए ये है रात का टाइम है, बच्चे दोनों डिनर कर रहे हैं। तो हर्षित के साथ ना मैं कैंडू को भी अब थोड़ा सा देखो इस तरह से छोटे छोटे बाइट्स बना के रोटी के और सब्जी के दे देती हूँ। तो उसमें मैंने थोड़े से पनीर और आलू दिए हैं और रोटी है, तो ताकि क्या है, इसको भी थोड़ा आदत लगे खुद से खाने का, क्योंकि ये बिल्कुल भी अपने हाथ से कुछ भी नहीं खाना चाहता है, इसे सब खिलाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ी हैबिट लगेगी तो क्या है, अच्छा रहेगा। कैंडू, पापा क्या लाए हैं? कैंडू नीनी करके उठ गया। तो कैंडू अभी अभी सोके उठा है, जैसे ही पापा आए। तो कैंडू आज कौन सा डे है? चिल्ड्रंस डे है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आज कौन सा डे है, केक डे है या चिल्ड्रंस डे है, इसलिए धीरे से बोला है। आज है 14 नवंबर। कैंडू केक खाओगे? हाँ। कौन सा फ्लेवर का? केक फ्लेवर का, मतलब चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट केक लाए पापा? हाँ। चलो यही तो छोटू सा हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कैंडू कैसा है केक? कैंडू को पसंद है चॉकलेट केक? पसंद है? कैंडू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, हम दोनों मिलके खाते। केक का खुशबू आ रहा है। अरे वाह, केक नहीं सूंघते, उसे खाते हैं। क्या कर रहा है? खुशबू ले रहा है केक का। ए बाबू छुओ मत। इनमें एबीसीडी है। हां वो हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। एबीसीडी। एबीसीडी लिखा है। पढ़ो तो क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। कौन सा लेटर है? एच। एच। ए। ए। पी। पी। वाई। हां एच ए पी पी वाई हैप्पी। अरे तो केमिकल लगभग सारे अल्फाबेट्स आते हैं ना। तो ये ना चिल्ड्रंस डे के दिन का क्लिप है। उस दिन इसके पापा एक छोटा सा केक लेकर आए थे, जिसे काट के दोनों भाइयों ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को केक खिलाया। और ये चॉकलेट फ्लेवर केक दोनों ही भाइयों को बहुत पसंद है। खा रहा है केक और चिकन चॉप। कैंडू तुम भी खाएगा चिकन चॉप? खाएगा? कैंडू को चिकन पसंद है। एक कैंडू को दे दो। ये यहां एक कैंडू के लिए, ये लो। तो चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों को दिया छोटा सा ट्रीट हमने, तो बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो इसी के साथ बाय बाय।